तब जाके मांगा फरियाया था, अभी तो दो ही राउंड वार्ता हुई है। तो क्या हम बिना कुछ लिए हड़ताल तोड़ दे? और ये आवाज में दम नहीं है, बिना कुछ लिया हड़ताल तोड़े? और आवाज मीडिया वाले सुन लीजिए, अगर कहीं है तो ये भी आवाज में दम नहीं है। क्या बिना कुछ लिए हड़ताल तोड़े? और जोर से तेजस्वी के कान में जाए। तो हम कभी झुके नहीं है और कभी सरकार है आप भाई, आप सरकार है, हम फरियाद है, फरियादी है, हम शांतिपूर्ण तरीके से आपसे फरियाद कर रहे हैं। हमने इमरजेंसी नहीं रोका, हमने प्रसव नहीं रोका, हमने ओपीडी भी खोल और बंद किया है, इसलिए हमने रोका है टीकाकरण। और आज भी इस बात को हम कहते हैं कि टीकाकरण न करेंगे, न करेंगे, न करेंगे। बड़ा हो गया है और विश्वास बढ़ गया है कि असहयोग की जीत होकर रहेगी, इसको कोई पाई के लाल नहीं रोक सकता। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह स्वीकार किया है कि आशा कर्मियों के काम से स्वास्थ्य व्यवस्था काफी मजबूत हुआ है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कबूल किया है। सूत्री मांगों के सरकार कबूल करती है तो उस पर हम लोग मानने के लिए तैयार है। अगर नौ सूत्री सरकार नहीं मानती, हम लोग कहताओं की सरकारी सेवा नहीं करती है। जब तक हम अनिश्चित काल में हड़ताल रहेंगे, हर पीएससी में काम बाधित करेंगे और इसे और जोर तोर में हम लोग और जोश खरोश में और आगे आएंगे। जैसे रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हर इमरजेंसी भी अब अगर सरकार नहीं सुनेगा तो हम लोग भी अब इमरजेंसी को भी बाधित करेंगे। सरकार माने या ना माने, जब हम लोग रोड पर है तैसे भी रोड पर है, वैसे भी रोड पर है। हार के सरकार यही तो करेगी कि हम लोग को हटा देगी, जेल देगी, हम लोग सब भोगने के लिए तैयार। इस बार अगर आशा को मान दे और पेंशन रिटायरमेंट अगर नहीं देंगे, पारितोषिक को नहीं हटाएंगे, पारितोषिक के बदले हम लोग को मानदेय नहीं देंगे, तो इस बार सरकार को गति से उतार कर रखेंगे। ये सब हमारी बहने की संघ की नतीजा है कि हम लोग ने आज पटना को लाले लाल कर दिया।